हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे भी हर कोई बहुत पसंद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने 1 kg चिकन ले लिया। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और इसको धोकर हमने इसको मैरिनेट कर दिया आधे घंटे के लिए। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, चलिए देख लेते हैं। 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक है, जीरा पाउडर, गरम मसाला लिया हुआ है, प्याज की 4 कांटी ग्राइंड कर ली हुई, धनिया पत्ती मतलब बड़ा कप है ये, हमने तेज के पत्ते, कुछ बड़ी इलायची ली हुई है। यहाँ पे हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ है, 4 कटे हुए टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच हमने लिया है और हमें चाहिए 6 कटे हुए प्याज। इसको हम फ्राई, तेल यहाँ पे हीट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज रखा था। इसको हमको गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है तब तक हम यहाँ पुलाव तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुलाव बनाने के लिए हमने चावल ले लिया, चावल को हमने 2 घंटा भिगा दिया, 1 kg हमने चावल लिया है। मसाले पुलाव के लिए, तो मसाले ये हैं, हमने कुछ काली मिर्च ली है, कुछ गरम मसाले ये लिए हुए हैं, तेज के पत्ते हैं, हरी मिर्च ली है 6 से 7-8, दो से तीन कटे हुए प्याज ले लिए हैं, मीडियम प्याज कटा हुआ है, नारियल का पेस्ट हमने 2 इंच का टुकड़ा लिया था स्क्वायर में, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। आज यहाँ पे गोल्डन हो गया, आप देख सकते हैं। हम इसको निकाल लेंगे, हम इसी तेल में चिकन को फ्राई करेंगे। तो चिकन फ्राई करने के लिए हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं तेल में। गोल्डन हो गया फ्राई, हम इसे ले लेंगे निकाल। कुछ तेल ज़्यादा था तो हमने तेल भी आधा कम कर लिया, मसाले के अकॉर्डिंग तेल हम डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मसाले के लिए प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गया है मसाले के लिए, अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे हमने जो तेज के पत्ते रखे थे, इलायची वो डाला हमने, लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्राइंड प्याज, इसमें ऐड करेंगे मसाले, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, अब हम इसे मिला देंगे। यहाँ पे मसाला रोस्ट हो गया है, तेल भी छूट चुका है, हम इसमें डालेंगे जो तला हुआ चिकन रखा था, ये चिकन हमने डाल दिया यहाँ पे। मसाले के साथ रोस्ट करेंगे 2 मिनट तक, इसकी फ्लेम बहुत हाई हमें नहीं रखना है, मीडियम टू फ्लेम पर हो गए हैं। चिकन हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर इसे हम अच्छे से भूनेंगे चिकन को और मसाले को एक साथ में। तो हमने 1/2 कप इसमें पानी ऐड किया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला जो हमने रखा था। 5 मिनट तक हम ढक कर इसे कुक करें, 5 मिनट हो गए, हमने धनिया पत्ती डाल के इसको मिला दिया है, ये पक के रेडी हो गया है। अब चलिए भगोना रख दिया है, ऑयल डाल दिया है, तेल गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, टेस्ट के पत्ते, प्याज ऐड करेंगे, प्याज गोल्डन हो चुका है, अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, ये मिर्ची कटी हुई रखी है बीच से हमने फाड़ लिया है, गरम मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, मसाले को अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मसाला यहाँ पे रोस्ट हो गया है पुलाव का, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने चावल के हिसाब से डाला था, पानी बॉयल हो गया है, आने में उबाल आ गया है यहाँ पे, अब हम सारे चावल को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का पेस्ट, कर देंगे 5 मिनट के लिए, इसे हम ढक के बॉयल करेंगे, पकाएंगे। चावल यहाँ पे पक गए हैं पूरी तरीके से, अब हम इन्हें दम पे लगा देंगे। अब हम बिरयानी को मिक्स करेंगे, चावल ऐड करेंगे भगोने में, अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ प्याज, फिर धनिया पत्ती, अब हम इसमें चिकन बिछा लेंगे। अब इसमें हमने चिकन का लेयर डाल लिया, अब हम उस पर ऐड करेंगे चावल, हमने चावल और प्याज का लेयर बिछाया है, इसको पूरी तरीके से इस तरीके से मिला लेंगे। चिकन बिरयानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।